हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विंग्स। अगर आप लोग लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑलराइट, मैंने क्रॉस चेक कर लिया गाइस, आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है यहाँ पर। और गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th of August 2018 के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की। सो देखिए गाइस, हम लोग ने 7th और 8th of August के न्यूज़ एनालिसिस को कवर अप नहीं किया था, इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि संडे को मैं कवर अप करूंगा। 7th of August का गाइस आज मॉर्निंग में हम लोग कवर अप कर चुके हैं। जिन लोग को देखना है वो 7th of August का गाइस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। ओके, और गाइस यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही न्यूज़ एनालिसिस को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती है, और सिर्फ वही न्यूज़ को सेलेक्ट किया जाता है गाइस जिसकी एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए हमारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज जो है वो आना शुरू हो गया है गाइस। तो देखिए, दिस इज मी, माय नेम इज कमलाक्ष झा, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड यू कैन इवन राइट मी एट दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज kamlakshjha@gmail.com। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के यानी कि 8th of August के द हिंदू में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पेज की न्यूज डिस्कस करेंगे, नेशनल न्यूज देखेंगे गाइस, वर्ल्ड पेज से रिलेटेड कुछ न्यूज है उसको देखने वाले हैं, बिजनेस न्यूज गाइस कुछ देखेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड गाइस कोई न्यूज नहीं है उसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं, स्पोर्ट्स न्यूज गाइज कुछ काम की नहीं है हमारे लिए तो वो वाली न्यूज को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, और लाइफ वाली न्यूज के अंदर भी गाइज कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिलेवेंट न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा गाइज मैं आप लोग को कुछ लोकेशन बताऊंगा जिसको आपको स्टडी करना है, और इस वीडियो के एंड में गाइज एक डाउट सेशन होगा और वहां पर आप मुझसे जितने भी डाउट्स हैं आपके आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, इन बिटवीन द लेक्चर्स प्लीज आप मुझसे डाउट मत पूछिएगा, बस आप अपने डाउट जो है वो पेन और पेपर में लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बाद में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गाइज एम फ्रंट पेज की न्यूज से। और गाइज देखिए, ये है एम करुणानिधि गाइज, ये 5 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी गाइज ये निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है गाइज। और इनकी डेथ में गाइज आप लोग जैसे कि इनके बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी चुका होगा गाइज की काफी फेमस पर्सनैलिटी है ये, और जब इनकी डेथ हुई थी तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया में जो है एक तरह से शोक सा छा गया था। तो गाइज इनकी डेथ पे हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी कि नेशनल फ्लैग जो है, मैंने यहाँ पर ये नेशनल फ्लैग वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए डाली गाइस, बिकॉज नेशनल फ्लैग जो है हमेशा आप लोग देखते हैं अगर कोई भी पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है इंडिया से दूर चली जाती है यानी कि वर्ल्ड छोड़ देती है गाइस, तो बेसिकली उनके शोक में गाइस नेशनल फ्लैग को आधा फ्लोन किया जाता है, यानी कि पूरा नेशनल फ्लैग जो है पूरा फ्लोन नहीं होता, हाफ मास्ट पे इसको फ्लोन किया जाता है। राइट, तो ये चीज याद रखिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की, इस प्रकार की चीजें जो है आप लिख सकते हैं गाइस एग्जामिनेशन के अंदर। राइट, और सेकंडली गाइस इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये 5 बार रह चुके हैं और करीब 50 साल तक गाइस इन्होंने डीएमके के प्रेसिडेंट की पोस्ट को सर्व किया है, यानी कि डीएमके का फुल फॉर्म क्या है, ये एक पार्टी है गाइस, इसका फुल फॉर्म है द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम, द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम। राइट, तो ये इस पार्टी को बेसिकली इन्होंने 50 साल तक सर्व किया है और उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं गाइज ये। और इसके अलावा जब ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे, और ये बेसिकली इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी गवर्नमेंट गाइज 2 बार डिसमिस हो चुकी है ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1976 एंड 1991, और उस समय गाइज प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 जो है वो इन्वोक किया गया था, और इन्होंने बेसिकली एक रिकॉर्ड बना चुका है गाइज 1957 से, जब से बेसिकली ये इन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करी थी, जब से हो गए थे ये, तो तब से लेकर गाइस अभी तक लगभग की बात करें तो इन्होंने 13 असेंबली पोल्स जो है गाइस वो जीते, मतलब कंटेस्ट किए थे और जीते थे गाइस। राइट, 13 असेंबली पोल्स। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट वाइज गाइस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, एम करुणानिधि, और ये 5 टाइम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं गाइस। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर जस्टिस के एम जोसेफ से रिलेटेड गाइस। तो इन्होंने स्वान इन यानी कि इन्होंने बेसिकली एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज जो है गाइस ये बन गए हैं, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट का, और कुछ समय पहले जैसे कि पिछले वीक की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर गाइस थोड़े से इश्यूज वगैरह चल रहे थे, वो उनके इंटरनल इश्यूज थे गाइस, वो इसी केस से रिलेटेड थे गाइस कि किसको पहले जो है वो स्वान इन किया जाए या फिर पहले जो है किसको ओथ दिलवाई जाए एज अ जज की सुप्रीम कोर्ट के। राइट, तो ये चीज याद रखिएगा, इनका नाम जस्टिस के एम जोसेफ। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो अब नेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट बेसिकली गाइस डिसाइड कर रही है कि अब ये गुरुकुल्स को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइस जमीन जो है वो प्रोवाइड कराएगी। गुरुकुल्स क्या होते हैं गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि मोहम्मद जो शाहरुख खान की मूवी है गाइस, उसमें आपने देखा होगा एक गुरुकुल टाइप का रहता है जहां पर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गाइस, तो उसी प्रकार का रहता है गाइस गुरुकुल से। आप एजुकेशन को रिलेट कीजिएगा,
गुरुकुल गाइस एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर फ्री में बच्चों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी के लिए गाइस हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लैंड यानी कि जमीन जो है वो गाइस प्रोवाइड कराएगी किसको, गुरुकुल्स को। और ना ही सिर्फ जमीन प्रोवाइड कराई गाइस, इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है गुरुकुल्स के अंदर टीचिंग के लिए वो सब चीजें भी प्रोवाइड कराएगी, इंक्लूडिंग टीचर्स ऑल्सो गाइस। तो टीचर के रिक्रूटमेंट भी गाइस स्कूल के अंदर जो है गुरुकुल्स के अंदर जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगी, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग गाइस जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है, स्पेशली स्टेट का नाम, क्योंकि स्टेट का नाम जो है वो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है, राइट। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे तो गाइस इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसको हम लोग इंटैच बोलते हैं गाइस, तो ये राजस्थान के अंदर गाइस ट्रांसफॉर्म कर रही है बेसिकली जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब दोबारा से रीबिल्ड कर रही है, मरम्मत करवा रही है उसकी। सो गाइस ये बेसिकली इनका एक प्रोग्राम है, ये एक एक्सरसाइज है जो कि बेसिकली ये क्या कहां पर कर रहे हैं, थार डेजर्ट के पास कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने थार डेजर्ट के एरिया को गाइस चूज किया हुआ है और ये बेसिकली वहां पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन सब चीजों को, राइट। तो आप लोग को दिमाग में ये चीज रखनी है गाइस, इंटेक का काम क्या होता है, तो इंटेक बेसिकली क्या काम करती है, तो इंटेक एक ट्रस्ट है जो कि काम करती है किस चीज का, नेचुरल हेरिटेज, ज्योग्राफिकल हेरिटेज, वाटर बॉडीज, स्टेप वेल्स, सेक्रेट ग्रोव्स, वॉल पेंटिंग एंड रॉक पेंटिंग्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम इसका रहता है गाइस, INTACH, इंटैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी गाइस इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं जो इन्होंने जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, जो इनकी एक्सरसाइज जो हो रही है गाइस थार डेजर्ट के पास हो रही है। तो यहाँ पर गाइस ये बेसिकली लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यानी कि मतलब लोकल कम्युनिटी से जो है वो बेसिकली हेल्प मांग रहे हैं और उनको भी बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं अपने बेसिकली फोर्स के अंदर, फोर्स इन द सेंस गाइस जो इनकी जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं जो कि काम करते हैं गाइस मरम्मत का, तो उसमें बेसिकली लोकल कम्युनिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं और उनसे बेसिकली आइडियाज ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसको मॉडर्नाइज किया जाए, बिकॉज गाइस लोकल कम्युनिटीज जो है वहां के कल्चर्स को और आर्ट को बेटर तरीके से जानते हैं रेदर देन किसी और से अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन ले तो, राइट। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज का और उसको मॉडर्न प्लानिंग के थ्रू जो है अभी नेचुरल हेरिटेज जो है कल्चरल हेरिटेज जो है गाइस उसको बनाया जा रहा है। तो मेन चीज गाइस इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इंटैक्ट, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो ओडिशा ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए यानी कि 7th of August की न्यूज में भी हम लोग ने ओडिशा ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा था और नेक्स्ट डे भी गाइस अगेन रिपीटेड न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है ओडिशा ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और स्पेशली गाइस बात की जा रही है यहाँ पर इनके एक्टिंग चेयरपर्सन जस्टिस बी के मिश्रा जी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस बी के मिश्रा जी कौन है, तो ये OHRC ओडिशा ह्यूमन राइट कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन है गाइस। तो रिपीटेड न्यूज है तो इसलिए मैं आप लोग को दोबारा से ध्यान में रख रहा हूँ कि बी के मिश्रा अगर कहीं पर भी आता है तो यू शुड नो कि ये एक्टिंग चेयरपर्सन है OHRC के, ओके। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ था, बी के मिश्रा जी ने बेसिकली क्या एक मतलब रैंडम विजिट में थे गाइस हॉस्पिटल के और वहां पर उन्होंने देखा कि काफी पैथेटिक सिचुएशंस थी गाइस, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर काफी बेकार सी सिचुएशंस थी, जितने भी वुमेन्स थी गाइस प्रेग्नेंट वुमेन्स और बेसिकली चिल्ड्रंस और जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे गाइस, तो उनको बेसिकली कॉरिडोर्स में जो है बिठाया जा रहा था, वरांडास वगैरह में बिठाया जा रहा था, उनके लिए प्रॉपर जो है वो बेड भी नहीं थे गाइस हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इन सब सिचुएशन को देखने के बाद ओडिशा ह्यूमन राइट कमीशन ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से बात करी है और बोला है कि हर एक बेसिकली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर एक ऐसा सेपरेट वार्ड होना चाहिए स्पेशली मेड फॉर पुअर पीपल्स, यानी कि पुअर पीपल्स के लिए एक क्रिएट करवाना चाहिए एक स्पेशल वार्ड की जहां पर पुअर पीपल्स आए और वहां पर अपना इलाज करवा सकें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस याद रखिएगा ये पूरे इश्यूज के बारे में कि ओडिशा जो ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसकी डिमांड बेसिकली क्या है या फिर हम लोग बोलें तो गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को उसने क्या चीज डिलीवर करने की बात करी है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो गाइस इनका नाम भी याद रखिएगा आप, इनका नाम है सुमन तींद्र आर नादिक। तो देखिए गाइस ये इनकी डेथ हो चुकी है और नादिक जी की, और ये एक कन्नड़ राइटर रह चुके हैं, पोएट रह चुके हैं, क्रिटिक और ट्रांसलेटर रह चुके हैं गाइस। इन्होंने अभी तक 11 अपनी मतलब कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज जो है गाइस उनकी पब्लिश हो चुकी है। लास्ट पोएट्री थी उनकी जदे मत्तु चेतना। तो गाइस कभी भी एग्जामिनेशन में आता है जदे मत्तु चेतना किससे एसोसिएटेड है तो यू शुड नो कि सुमा तींद्र आर नादिक से बेसिकली एसोसिएटेड है, ओके। सो इसके अलावा गाइज इनके 9 कलेक्शंस ऑफ लिटरली क्रिटिसिज्म भी रह चुके हैं, 4 कलेक्शंस इनकी शॉर्ट स्टोरीज के रह चुके हैं और 8 वर्क्स जो है गाइज इनके चिल्ड्रंस लिटरेचर पे भी हैं। तो ये चीज याद रखिएगा इनके बारे में, सुमा तींद्र आर
नादिक, तो सुमंत इंद्र आर नादिक जो है गाइज वो नाम याद रखिएगा, इनकी डेथ हो चुकी है और ये बेसिकली बहुत ही फेमस कन्नड़ राइटर, पोएट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइज। तो बेसिकली ये वाली जो न्यूज है, यहाँ पर काफी समय से हम लोग को देखने को मिलता था गाइज, इस प्रकार के जो वेसल्स होते थे, जो बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह होती थी गाइज, वो फिशरमैन के बोट्स वगैरह को गाइज मतलब उसको बेसिकली एक्सीडेंट करके जो चली जाती थी, और इस कारण काफी सारे फिशरमैन की जो है वो डेथ भी देखने को मिली है। तो गाइज ये बेसिकली केस है तमिलनाडु से रिलेटेड गाइज, वहां पर देखने को मिला था कि बेसिकली एक बहुत बड़ा वेसल था गाइस, और ये वेसल इंडियन रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर था गाइस, एमवी देश शक्ति नाम का इसका नाम था बेसिकली, और ये रजिस्टर हुआ था गाइस इंडिया में ही और तमिलनाडु में बेसिकली ये रजिस्टर किया गया था। तो इसने बेसिकली एक्सीडेंट किया गाइस ये फिशरमैन की बोट्स को, और काफी सारे फिशरमैन गाइस इसमें मारे गए थे। बट मेन कंसर्न फॉर द एग्जामिनेशन इज गाइस की मेन्स एग्जामिनेशन में आप ये सब चीजें न्यूज लिख सकते हैं कि स्पेशली गाइस मैं इसमें आप लोग को फोकस ये देना चाह रहा हूँ कि जब ये हम लोग को देखने को मिलता है रोड में जब एक्सीडेंट्स होते हैं गाइस, तो हमारी जो पुलिस वगैरह जो होती है, लोकल पुलिस जो होती है, जो लोकल पुलिस जो होती है, वो बेसिकली वहां पे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के रूप में काम करती है, राइट, वहां पे जाती है। बट गाइस अगर समुद्र में इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं तो कौन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर राइट के लिए, या फिर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो देखिए गाइस कोस्टल पुलिस जो है वो उसने बेसिकली केस जो है रजिस्टर कर लिया है इनके खिलाफ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कोस्टल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है ऐसे इन सब पर्टिकुलर केसेस में। और सेकंडली गाइस इस बेसिकली इस केस की अगर बात करें गाइस, तो आईपीसी 304A फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेगलिजेंस, मतलब लापरवाही के कारण जो है मतलब मौत हो गई है काफी सारे लोगों की इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के दौरान, तो उनके ऊपर आईपीसी 304A लगाया गया है। 280 फॉर रैश नेविगेशन फॉर वेसल, तो देखिए रैश नेविगेशन किया था इन्होंने, मतलब जो बड़ा टैंक था गाइस उसको बिना देखे उन्होंने मतलब चलाना शुरू किया था, आगे जो है उन्होंने नेविगेट नहीं किया था और बिना नेविगेशन के उन्होंने दूसरी जो बेसिकली फिशरमैन की बोट्स जो थी गाइस, तो उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसमें एक्सीडेंट कर दिया था। और लास्ट की अगर बात करें तो गाइस आईपीसी 337 और 338 जो है इनके खिलाफ जो है वो धाराएं लगी हैं। बट मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज गाइस, तो ये जो है यहाँ पर ये चीज हम लोग को नोटिस में आएगी, देखने को मिलेगी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बेसिकली ये थी, बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ था वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो गाइज इसलिए यहाँ पर जो कोस्टल पुलिस है उसने एक्शन लिया था, और अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर होता गाइज, तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल मामला जो है वो बन जाता, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती गाइज वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती, राइट। तो ये बेसिकली फिर यहाँ पर कोस्टल पुलिस जो है वो उसमें दाखिल नहीं होती। तो ये वाली चीज जो होती है गाइज आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्पेशली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के जरूर बताइएगा कि वॉट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो ये बात की जा रही है मतलब बेसिकली एक तरह के पेटिशन की, जिसको फाइल किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने गाइस। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गाइस एक पेटिशन जो है वो फाइल किया है। तो ये जो पेटिशन क्या था गाइस, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ एज अ स्टोरी, हालांकि वो हमारे काम की नहीं है, जो चीज काम की है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गाइस इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर ये चीज देखने को मिली थी कि जो ये रिफाइनरी जो है गाइस, इसने पेटिशन जो फाइल किया था एनजीटी के पास, और बोला गया है कि इनका जो एनजीटी ने बेसिकली गाइस कुछ साल पहले, अगर हम लोग एग्जैक्ट ईयर की अगर मैं बात करूं गाइस, तो 2016 में एनजीटी ने इन लोग को बोला था कि आप जो है अपनी बाउंड्री जो है बना सकते हैं बेसिकली, तो बिकॉज ये जो एरिया पड़ता है गाइस नुलम, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी का, तो ये बेसिकली एरिया पड़ता है गाइस दियोफर रिजर्व फॉरेस्ट के पास, दियोफर रिजर्व फॉरेस्ट के पास ये एरिया पड़ता है। तो उसलिए क्या किया गाइस, इन्होंने डिमांड करी थी कि एलिफेंट से बचने के लिए हम जो है वो बेसिकली इस प्रकार के वायर्स का उपयोग कर लें, जैसे कि वो कांटे वाले जो वायर्स होते हैं ना गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्ब्ड वायर्स, तो इन्होंने बोला था इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं क्या, तो एनजीटी ने मना कर दिया इस प्रकार के उपयोग से, बिकॉज गाइस पहले भी जो है वो एलिफेंट्स की जो है काफी ज्यादा हद तक जो है वो मौत हो चुकी है गाइस इस प्रकार के वायर्स से, तो इसलिए एनजीटी ने मना कर दिया। बट गाइस मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि दियोफर रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कहां पर है, तो वो है असम के अंदर गाइस। तो दियोफर रिजर्व फॉरेस्ट असम के अंदर है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर है। तो गाइस देखिए ये चीज आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड और नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये वाली न्यूज जो है वो यहाँ पर बताई है। और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस आप इस बार्ब्ड वायर के बारे में लिख सकते हैं कि बार्ब्ड वायर के कारण जो है वो काफी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, और रिसेंटली आप इस केस के बारे में, केस स्टडी के बारे में गाइस मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ये बेसिकली रिफाइनरी को आप ध्यान में रखकर कि असम की एक रिफाइनरी थी जिसने पिटीशन लगाया था एनजीटी के ऊपर, और एनजीटी ने मना कर दिया था बिकॉज बाब वायर के कारण असम में काफी सारे ऐसे केसेस जो है हम लोग को देखने को मिले हैं जहां पर एलिफेंट्स की डेथ हुई है बहुत ज्यादा मात्रा में, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, दिस इज द ओवरऑल थिंग यू शुड नो अबाउट इट। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, जिसमें एनसीफेलाइटिस के बारे में बात की जा रही है, और स्पेशली अगर मैं बोलूं तो गाइस इसमें बात की जा रही है एक्यूट
एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। तो गाइज ये वाला जो बेसिकली लगातार 3 साल के डेटा से पता लगा है कि गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ने बेसिकली ये चीज बताई है कि जो एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ गए हैं गाइज। अब मेन कंसर्न हमारा है ये है कि एनसीफेलाइटिस जो है वो क्या होता है गाइज। तो ये एक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टाइप की डिजीज है जहां पर जो ब्रेन में जो गाइज इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये होता है गाइज बेसिकली एक तरह के बैक्टीरिया से जिस बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटिया सुसुगुमांशी गाइस। तो टी जो है यहाँ पर साइलेंट देखने को मिल रहा है ओमेंटिया सुसुगुमांशी। तो गाइस ये बेसिकली एक तरह का बैक्टीरिया है और वायरल है गाइस जिससे यहाँ पर ये स्टडी के थ्रू पता लगा है कि जो एनसीफेलाइटिस जो है गाइस इसके थ्रू जो है वो हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा गाइस एनसीफेलाइटिस के जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू होता है और उसके सिम्टम्स काफी सारे होते हैं जैसे कि फीवर पेन इन मसल्स हैल्यूसिनेशन हेडेक लाइट सेंसिटिविटी स्टिफ नेक रिड्यूस सेंसेशन ऑफ टचेस एटसेट्रा गाइस। इस प्रकार के इसके काफी सारे जो हम लोग को सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं और इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस ये अक्सर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बुजुर्गों में यानी कि 60 साल से ऊपर के लोगों में गाइस ये वाली जो प्रॉब्लम जो है एनसीफेलाइटिस की वो देखने को मिलती है और ये जो इम्यून सिस्टम है गाइस उसको खराब कर देता है और अगर अर्लियर एज में इसको डिटेक्ट किया जाए गाइस तो इसका ट्रीटमेंट जो है गाइस पॉसिबल है और सही से होने के लिए यानी कि मतलब इजीली जो है इसका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है राइट। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग गाइस एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में गाइस आप अच्छे से देखिएगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो ये बात की जा रही है अंडमान आइलैंड की गाइस। तो अंडमान आइलैंड में बेसिकली मतलब कहा जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं फॉरेनर्स के ऊपर यानी कि फॉरेनर्स जब भी इस आइलैंड को आइलैंड में विजिट करने आते थे गाइस तो उनको बेसिकली एक आरएपी नाम की चीज जो है आरएपी नाम का पास जो है वो लेना पड़ता था। आरएपी का फुल फॉर्म होता है गाइस रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो आरएपी टाइप का जो पास होता है गाइस रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जो है वो उनको लेना पड़ता था बट अब बोला जा रहा है अंडमान एंड निकोबार में 29 इनहेबिटेड आइलैंड्स के अंदर जो है ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिया गया है गाइस फॉरेनर्स के ऊपर से और फॉरेनर्स जो है वो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो यू शुड नो अबाउट आरएपी और अंडमान में बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाया गया है। और सेकंडली बात की जा रही है आने वाले समय में मतलब 11 और आइलैंड्स के ऊपर गाइस ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिया जाएगा। और ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्यों लगाया गया था गाइस? तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए लगाया गया था बिकॉज यहां पर जो है मतलब कुछ लोग बाग जो है यहां पर आकर यहां के इकोसिस्टम को खराब ना करें इसलिए गाइस। और सेकंडली ये किस लॉ के थ्रू लगा था? तो यू शुड नो अबाउट दैट लॉ टू। तो फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963 के तहत गाइस ये लगा हुआ था और बोला गया था कि December 31st, 2022 को ये रेस्ट्रिक्शन जो है हटा दिया जाएगा बट गाइस अभी जो है 29 इनहेबिटेड आइलैंड्स में ये रेस्ट्रिक्शंस हटा चुके हैं और बोला ये जा रहा है कि अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान और जो भी फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं जिनका ओरिजिन जो होता है इस बेसिकली चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होगा तो उनको बेसिकली मतलब आरएपी की जरूरत पड़ेगी यानी कि इन बेसिकली कंट्रीज के लिए अफगानिस्तान चाइना और पाकिस्तान के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए गए हैं इनके नेशनल्स के लिए यानी इनके सिटीजंस के लिए बाकी गाइस दूसरे फॉरेनर्स के लिए जो है रेस्ट्रिक्शन जो है वो प्रॉपर्ली पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। बट गाइस अगर किसी फॉरेनर को विजिट करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट तो उनको बेसिकली मतलब अथॉरिटी से अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस एग्जामिनेशन में आपसे आरएपी के बारे में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं जैसे कि हम लोग को पता है अगस्त का फर्स्ट वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के नाम से गाइस। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 10 में से करीब 6 बच्चे जो है गाइस 6 बेबीज जो है कंट्री के अंदर उनको बेसिकली मतलब बर्थ के फर्स्ट आर के अंदर अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीड जो है वो नहीं मिलता गाइस। तो उसी से रिलेटेड ये ओवरऑल पूरी न्यूज के बारे में बात की गई थी गाइस जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं कि जो 1 आर के अंदर अंदर गाइस जो बेसिकली बेबी को ब्रेस्ट फीड जो मिल जाता है यानी कि जो मिल्क जो है मदर से मिल जाता है गाइस उसको तो बेसिकली उनकी हेल्थ जो रहती है गाइस काफी अच्छी रहती है और आने वाले समय में गाइस उनकी बेसिकली बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो काफी अच्छे से होती है। तो ये वाली चीज जो है गाइस आप लोग को ध्यान में रखना काफी जरूरी है स्पेशली वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के बारे में और उसी से रिलेटेड ये ओवरऑल पूरी न्यूज थी। और मेन चीज गाइस इसमें हमारे लिए ये काम की है 5th रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग इन 2018 गाइस। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट थी उसके उस थ्रू जो इंडिया का स्कोर था गाइस 45 आया है 100 में से गाइस तो बहुत ही कम स्कोर आया इंडिया का यानी कि इस बेसिकली रिपोर्ट के थ्रू पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू गाइस जितने भी बच्चे वगैरह जो है उनको बेसिकली प्रॉपर्ली जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं मिलती। और जैसे कि रिपोर्ट में आप ये वाली चीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में कि इंडिया के अंदर 10 में से 6 बच्चे जो है गाइस उनको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग जो है मतलब 1 आर के अंदर अंदर बर्थ के मिलता है और बाकी दूसरे बच्चों को जो है वो नहीं मिलता है गाइस। तो दिस इज द थिंग जिसके बारे में आप लोग को पता होना काफी जरूरी है मेंस एग्जामिनेशन में आप ये वाली चीज यूज कर सकते हैं। और यू ऑल्सो नो दैट गाइस
और जैसे कि हम लोग ने बात करी थी कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है जब वो मनाया जाता है गाइस अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर, तो उस समय हम लोग ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी, यूनिसेफ के बारे में बात करी थी और काफी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बारे में बात करी थी। तो वाली चीज जो है गाइस ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें दोबारा से मैं वाली चीज जो है वो रिपीट करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दैट थिंग, राइट। तो इसमें बस ये चीज समझ लीजिए गाइस, आप स्पेशली फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग इन 2018 की रिपोर्ट के बारे में, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग जिसके बारे में पता होना जरूरी है आप लोगों को। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, गुरुमूर्ति और सतीश काशीनाथ मराठे, गुरुमूर्ति और सतीश काशीनाथ मराठे गाइस। तो इनको बेसिकली पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है बना दिया गया है गाइस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 साल के लिए। तो 4 ईयर्स के लिए ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बन चुके हैं और इनको बेसिकली अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगा गाइस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है गाइस जिसको हम लोग DOPT के नाम से जानते हैं, तो वो बेसिकली इनके अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो इशू करवाएगा। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली प्लेस कर दिया है या फिर मैं बोलूं इंट्रोड्यूस कर दिया है 4 बिल्स जो कि बेसिकली अमेंड करेंगे GST को गाइस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉज को गाइस अमेंड करने की बात कर रहे हैं। और वो कौन से बिल्स हैं गाइस, तो सेंट्रल GST अमेंडमेंट बिल, इंटर स्टेट GST अमेंडमेंट बिल, GST कंपनसेशन टू स्टेट अमेंडमेंट बिल एंड UT यूनियन टेरिटरी यानी कि GST अमेंडमेंट बिल। तो ये जो 4 बिल्स हैं गाइस ये बेसिकली प्लेस किए हैं अभी गवर्नमेंट ने और ये बेसिकली एम कर रहे हैं गाइस, मतलब ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर और स्मॉल ट्रेडर्स को की हेल्प करने के लिए गाइस। और ये बेसिकली क्या चीज करेंगे गाइस, ये सब बिल जो होंगे ये बेसिकली जितने भी रिटर्न्स होते हैं गाइस उसको और सिंपलर बना देंगे कि बेसिकली रिटर्न फॉर्म्स जो होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं गाइस, काफी सारे जो एंटरप्राइजेस वाले जो लोग होते हैं गाइस और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं बिजनेस सेक्टर के, तो उनको बेसिकली GST का फॉर्म जो है वो आज तक समझ में नहीं आया है गाइस, तो उस फॉर्म को जो है वो सिंपलर भी करेगा ये बेसिकली बिल। और जब ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल के बारे में बात की जाएगी गाइस तब हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इस चीज के बारे में जान लीजिए कि GST से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट बिल जो है वो प्लेस किए गए हैं गाइस गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो इंटरनेशनल न्यूज आ गई है अब इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है गाइस कि USA जो है वो ईरान से कभी भी खुश नहीं रहता था और ईरान के ऊपर उसने काफी सारे सैंक्शन लगाए थे और इवन मतलब पहले भी उसने काफी सारी स्टेट से बोला है इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो कि ईरान के साथ कोई भी डील मत रखो और पूरे वर्ल्ड के साथ उसने पहले ही बता दिया था कि ईरान के साथ 0 इंपोर्ट ऑयल वाली पॉलिसी जो है वो इशू कर दो, यानी कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगी, अगर वो करेगी तो USA उसका दुश्मन बन जाएगा यानी कि उससे दोस्ती नहीं रखेगा, उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेगा, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ देगा उसके साथ। वैसे ही गाइस सेम चीज यहां पर हम लोग को ये चीज देखने को मिली है, USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने पूरी कंट्री को जो है वॉर्न कर दिया है और कहा है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस मत करो। तो गाइस ऐसा करते ही मतलब ऐसा सुनते ही गाइस मतलब इसके 1 घंटे के बाद ही लगभग जर्मन की ऑटोमेकर डायमलर नाम की एक कंपनी है गाइस, तो बेसिकली उसने बेसिकली जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है ईरान के साथ उसको हॉल्ट कर दिया है, राइट, मतलब बंद कर दिया है वहां पर। तो सोचिए ऑब्वियसली बात है गाइस इस चीज इस बेसिकली न्यूज के थ्रू हम लोगों को पता लगता है कि सुपर पावर USA को ऐसे ही नहीं बोलते कि उसके जो वर्डिंग्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उसके साथ बिजनेस छोड़ना किसी भी कंट्री को गाइस लाभ नहीं क्रिएट होगा, यानी कि प्रॉफिट जो है किसी भी कंट्री को नहीं होगा अगर वो USA के साथ बिजनेस जो है वो छोड़ देगी। तो इसलिए गाइस ये वाली बात इसने डायरेक्टली बोल दी है कि अगर कोई भी कंट्री जो है ईरान के साथ बिजनेस करेगी तो वो USA जो है उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो एक तरह से इसने मतलब पूरे वर्ल्ड को जो बता दिया है और आने वाले समय गाइस जैसे कि नवंबर वाली डेडलाइन इसने दे चुकी है सभी कंट्रीज को और बोला है कि 0 ऑयल इंपोर्ट कर लेना सभी लोग, वरना USA जो है वो उनके साथ जो भी कंट्री ईरान के साथ डील करेगी किसी भी चीज में तो USA उसके साथ जो है वो मतलब किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और गाइस अगर आप लोगों में से किसी को ईरान और USA के बारे में नहीं पता है कि क्या इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है और क्यों ईरान ने बेसिकली मतलब USA ने ईरान के ऊपर इस प्रकार के सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं तो आप उसे लास्ट में डिस्कशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि मैं पहले भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यहां पर बात की जा रही है ये बेसिकली एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है कि इंडिया में गाइस जो फ्रॉड जो हो रहे हैं गाइस बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या जी की बात करें, तो गाइस इन सब जो लोग हैं गाइस जो ये फ्रॉड करके इंडिया से भाग गए हैं गाइस, तो यहां पर बात की जा रही है करीब 70,000 करोड़ रुपीज का फ्रॉड जो है पिछले 3 सालों में इंडिया के अंदर देखने को मिला है। सो गाइस बैंक के थ्रू तो काफी सारे लोग जो है फ्रॉड कर लेते हैं, मैंने भी बेसिकली पर्सनली ये वाली चीज जो है वो देखी अपनी आंखों के सामने बिकॉज मेरे साथ ही एक इस प्रकार का केस हुआ है कि बैंक खुद का इस बैंक के काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना वो खुद फ्रॉड्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मेन चीज तो ये मेरा खुद एक पर्सनल केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मुझे खुद इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है कि बैंक जो है वो किस प्रकार से फ्रॉड करती है गाइस, राइट। तो दिस इज द थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट द डेटा की पिछले 3 सालों के अंदर 70,000 करोड़ रुपीज का जो फ्रॉड के थ्रू जो है वो हम लोग को देखने को मिला है, बैंकिंग फ्रॉड्स मतलब जितने भी पैसे गए हुए हैं वो बैंकिंग फ्रॉड्स के थ्रू गए हुए हैं और 70,000 करोड़
करोड़ रुपीज गए हैं, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो नेक्स्ट न्यूज नहीं है गाइस, बिजनेस न्यूज ही थी आज के बारे में, और स्पोर्ट्स न्यूज और लाइफ वाली न्यूज जो है वो रिलेवेंट नहीं थी गाइस आज की डेट, मतलब यानी कि 8th of August की डेट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस आप मुझे रेटिंग दे दीजिए प्लीज, बैड गुड बेटर या बेस्ट की, और फीडबैक जरूर दीजिएगा रेटिंग के साथ, राइट, कि फीडबैक में आप लिखिएगा किस प्रकार से मैं अपने ट्यूटोरियल को जो है वो और अच्छे से इंप्रूव करूं। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं भी लाइव हूं, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर अप कर दूंगा। तो चलिए गाइस फिर साइन ऑफ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एंड इसकी पीडीएफ जो है गाइस वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, उसके लिए करना पड़ेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, जिसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड गाइस प्लीज डू लाइक इट अगर थोड़ा सा भी आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। चलिए गाइस साइन ऑफ कर रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।